नमस्कार दोस्तों, टीजी के गुरुजी आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा देश के स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देश का स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है आज यानी कि 30 नवंबर 2017 को। स्वामी लेके आ रहा है देश का स्मार्टफोन जो कि काफी बजट वाला स्मार्टफोन होगा और ज्यादा स्टोरेज वाला और ज्यादा रैम वाला स्मार्टफोन होगा ऐसा सुनने में आ रहा है। मैंने सोचा था कि ये वीडियो जब लॉन्च हो जाएगा तब बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास टाइम इतना है नहीं कि मैं लॉन्च होने का इंतजार करूं। हालांकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं 12:30 बजे के बाद। 12 बजे का टाइम था देश का स्मार्टफोन लॉन्च होने का, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और मुझे कुछ काम से जाना बाहर, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी बना रहा हूं जो कि अभी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है। फिर भी मैं ये वीडियो बना दे रहा हूं। तो दोस्तों जो देश का स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जो स्वामी बोल रहा है ये देश का स्मार्टफोन है, तो उसके बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूं। इसका नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि ये Redmi 4A का रिप्लेसमेंट होगा, एक अपग्रेड वर्जन होगा जो कि Redmi 5A होगा। ऐसा सुनने में आया कि इसका नाम Redmi 5A होगा और साथ ही साथ Redmi 5 और Redmi 5 Plus भी लॉन्च होने वाला है जो कि चाइना में लॉन्च होगा 7 दिसंबर 2017 को। तो वो भी फोन शायद इंडिया में आ सकता है, लेकिन उससे पहले इंडिया में लॉन्च हो जाएगा Xiaomi का Redmi 5A जो कि अपग्रेड वेरिएंट है Xiaomi Redmi 4A का। तो दोस्तों इसमें आपको क्या क्या स्टोरेज मिलेगी और इसका रैम कितना रहेगा, इसकी साइज कितनी रहेगी और साथ ही साथ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो मेरा नाम है महेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल गैजेट्स यूज चैनल को। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है Xiaomi Redmi 5A। तो दोस्तों जस्ट ये अभी फ़ोन लॉन्च हो गया है जिसका नाम है Xiaomi Redmi 5। मैं गेस कर रहा था Xiaomi Redmi 5A ही होगा। तो जैसे मैं बता देना चाहता हूँ इसमें शुरू से लेकर अंत तक मैं अगर बता देना चाहता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो दोस्तों पहले हार्डवेयर की बात करते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 5 इंच का HD डिस्प्ले जो कि मैंने सोच रखा था कि इसमें 5 इंच का HD डिस्प्ले ही आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 425 का चिपसेट जो कि 1.4 GHz का चिपसेट। साथ ही साथ इसमें आपको Qualcomm Snapdragon का Adreno GPU भी मिल जाएगा। अगर इसमें स्टोरेज और रैम की बात करें इसमें आपको मिलता है 2GB रैम 16GB स्टोरेज, साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है 3GB रैम 32GB स्टोरेज। दोस्तों मैं लाइव इवेंट देख ही रहा था अभी, तो उसमें बता दिया था कि इसका प्राइस तकरीबन होने वाला 4999। इसका मतलब हो गया है कि 5000 रुपये का स्मार्टफोन आने वाला है जो कि होगा 16GB स्टोरेज 2GB रैम, और फिर 6000 या फिर 6500 वाला जो स्मार्टफोन होगा वो है 3GB रैम 32GB स्टोरेज। तो ये दोनों वेरियंट में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएंगे। दोस्तों आपको इसमें ड्यूअल सिम मिलेगा, साथ ही साथ आप SD कार्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ड्यूअल स्लॉट मिलेगा। एक स्लॉट में आप SIM 1 साथ ही साथ SD कार्ड लगा सकते हैं, और जो दोस्तों जो दूसरा स्लॉट है उसमें आपको सिम 2 लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब आप इस Redmi 5A में 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखा है इस बार Xiaomi ने इंडिया के स्मार्टफोन के लिए। तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ इसमें आपको बैटरी कितनी मिलेगी। दोस्तों इसमें आपको मिलेगा 3000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी। इसका बैक पैनल है वो मेटालिक नहीं, वो प्लास्टिक बॉडी से बनाया गया है, लेकिन लुक ऐसा दिया गया कि आपको लगेगा मेटालिक बॉडी का स्मार्टफोन है, लेकिन मेटालिक बॉडी का स्मार्टफोन नहीं है ये Redmi 5A। साथ ही साथ इसमें अगर कैमरा की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 13 MP का रियर कैमरा जिसका अपर्चर है f2.2, और इसमें इससे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको मिलता है 5 MP का फ्रंट कैमरा जिससे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉइड नोगट मिल जाएगा जो कि होगा 7.1.1 या फिर 7.1.2। तो दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉइड नोगट मिल जाएगा, साथ ही साथ लेटेस्ट वर्जन ऑफ MIUI 9 भी आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इतने बजट स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड नोगट मिल जाता है और साथ ही साथ MIUI 9 भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों मैं अब अपने ओपिनियन की बात करता हूँ। दोस्तों अगर इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगा देते इतनी प्राइस में, 5000 या फिर 6000 के प्राइस में अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा देते तो बहुत ही अच्छी बात होती, बहुत ही कमाल का फोन होता। 5000 रुपये में ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल होता अगर इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगा देते Xiaomi वाले, लेकिन हालांकि बजट बहुत ही टाइट हो जाता है इसलिए शायद इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया नहीं। ऑल ओवर ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया है Redmi 5A, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। हालांकि मैं जल्द से जल्द इसका अनबॉक्सिंग वीडियो और फुल रिव्यू भी आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो जैसे ही ये स्मार्टफोन मेरे पास आ जाता है मैं इसका फुल अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू भी लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा Xiaomi Redmi 5 आपके लिए लेना सही होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट बजट है, अगर आपका बजट 5000-6000 के अंदर है तो आप इस Redmi 5A को ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और इसके कंपैरिजन में कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो इतने कम प्राइस में आपको ऐसी स्पेसिफिकेशन दे देगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जान गए Xiaomi Redmi 5A के बारे में जो कि देश का स्मार्टफोन है, आज ही लॉन्च हुआ है जो कि है 30 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ है। 12:45 पे लॉन्च हो गया है ये स्मार्टफोन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आप जान गए होंगे इस Xiaomi Redmi 5A के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी बोलिए, अपने फैमिली वालों को भी बोलिए कि हमारे चैनल टेक्निकल गैजेट्स यूज़ को सब्सक्राइब
करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही फायदा होगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं टेक्निकल गैजेट यूज चैनल को। कोई सवाल या सुझाव इस फोन के बारे में तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं इस Redmi 5A के बारे में। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।